लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कसडोल कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने आज यहां जिला पंचायत सभा कक्ष में धान खरीदी केंद्रों के नोडल अफसर, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर धान खरीदी कार्य में अब तक की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने इस साल धान खरीदी शुरू होने से लेकर पिछले पखवाड़े भर तक के अनुभव के आधार पर खरीदी केंद्रों की व्यवस्था में और कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोडल अफसर की भूमिका खरीदी केंद्रों पर कलेक्टर के प्रतिनिधि की होती है, लिहाजा राज्य सरकार के तमाम निर्देशों के अनुरूप खरीदी व्यवस्था और अभिलेखों का रख रखाव सुनिश्चित करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कृषि विभाग के RAEO अथवा पटवारियों को जिले की सभी 151 धान खरीदी केंद्रों पर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया कि जिले में अब तक 32,353 किसानों से 1.21 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कलेक्टर ने धान के उठाव और परिवहन में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। क्लिपर 28 के लिए कसडोल से प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.